स्टडी मैजिक वर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस। तो जो हमारा अमीटर होता है वो सर्किट में करंट को मेज़र करने में इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा जो वोल्ट मीटर है वो सर्किट में हमारा वोल्टेज मेज़र करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हमारा जो अमीटर है उससे क्या करते हैं हम लोग, जो अमीटर है उसका कनेक्शन जो सर्किट में होगा वो सीरीज में होगा, और जो वोल्ट मीटर है इसका कनेक्शन हमारे पैरेलल में होता है सर्किट में देखेंगे तो। उसके बाद हम रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हमारे अमीटर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है, बहुत ही लो होता है। और जो हमारा वोल्ट मीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। अगर रेंज की हम बात करते हैं तो हमारे अमीटर का भी रेंज बढ़ाया जा सकता है, वोल्ट मीटर का भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें लिखा है कि वोल्ट मीटर का नहीं चेंज किया जा सकता, ये गलत लिखा हुआ है। वोल्ट मीटर का भी रेंज बढ़ा सकते हैं। अमीटर का जो रेंज है वो किससे बढ़ाते हैं, शंट लगाकर बेटा, शंट लगाकर बढ़ाते हैं। और वोल्ट मीटर का रेंज कैसे बढ़ाते हैं, मल्टीप्लायर का यूज़ करके, मल्टीप्लायर का यूज़ करके हम लोग बढ़ा लेते हैं रेंज। उसके बाद एक्यूरेसी की बात करें तो हमारा जो अमीटर होता है उसकी एक्यूरेसी हाई होती है। क्या होती है बेटा, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, ठीक है, करंट एक्यूरेसी। और जो हमारा वोल्ट मीटर है इसकी एक्यूरेसी अमीटर के कंपेयर में लो होती है। अगर आइडियल केस की हम बात करते हैं, अगर हम लोग आइडियल केस की बात करते हैं तो अमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली ज़ीरो होना चाहिए, वोल्ट मीटर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली कितना होता है अमीटर में, वेरी लो। और प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारा अमीटर होता है वो ए से डिनोट होता है, वोल्ट मीटर बी से डिनोट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।